ओम शांति। आज है 20 फरवरी 2005 का अव्यक्त बाप दादा का क्लास। हेडिंग दिया है दिल से मेरा बाबा कहो और सर्वाविनाशी खजानों के मालिक बन बेफिकर बादशाह बनो। युक्ति है, कोई कठिन है क्या? अरे कठिन है या सहज है? है? मेरा बाबा ये सहज है और कोई नहीं मेरा है, कोई नहीं और कोई नहीं। अच्छा, आज भाग्य विधाता बाप दादा अपने सर्व बच्चों के मस्तक बीच भाग्य की रेखाएं देख रहे हैं। हर एक बच्चे के मस्तक में चमकते हुए दिव्य सितारे की रेखा दिखाई दे रही है। कैसी रेखा बताई? दिव्य सितारे। तो दिव्य माने दैवी सितारा, दैवी आत्मा, लेकिन चमकता हुआ दिव्य सितारा। हर एक के नैनों में स्नेह और शक्ति की रेखा देख रहे हैं। मुख में श्रेष्ठ मधुर वाणी की रेखा देख रहे हैं। होठों पर मीठे मुस्कान की रेखा चमक रही है और दिल में दिलाराम के स्नेह में लवलीन की रेखा देख रहे हैं। हाथों में सदा सर्व खजानों के संपन्नता की रेखा देख रहे हैं। पांव में हर कदम में पदम की रेखा देख रहे हैं। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य सारे कल्प में किसी का नहीं होता। जो आप बच्चों को इस संगम युग में भाग्य प्राप्त हुआ है, ऐसा अपना भाग्य अनुभव करते हो, इतने श्रेष्ठ भाग्य का रूहानी नशा अनुभव करते हो, इस श्रेष्ठता के नशा का दिल में गीत स्वतः ही बजता रहता है, वाह मेरा भाग्य। ये संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है। क्यों हो जाता है? अविनाशी भाग्य क्यों हो जाता है? लौकिक बाप के यहाँ जन्म लेते हैं तो एक जन्म का होता है ज्यादा से ज्यादा। और ये है वो विनाशी बाप होता है और ये है अविनाशी बाप। जन्म जन्मांतर का बाप है जिस द्वारा माना मीडिया स्वयं बाप है अविनाशी भाग्य प्राप्त कराने के लिए। तो बाप द्वारा अविनाशी भाग्य प्राप्त हुआ है, लेकिन प्राप्त इस संगम युग पर ही होता है, हैं? जब अविनाशी बाप है तो हर जन्म में वो बाप चल सकता है ना, हैं? संगम के बाद फिर विनाशी हो जाएगा। अविनाशी बाप है तो सदा काल के लिए हो सकता है या विनाशी है? अविनाशी रहेंगे। तो अविनाशी बाप है तो संगम युग पर ही प्राप्ति क्यों कराता है? संगम युग का भाग्य अविनाशी भाग्य हो जाता है
और ये संगम युग पर ही अविनाशी बाकी मिलता है। क्यों ड्रामा में ऐसा ही नूद है? कारण कोई नहीं, कोई कारण तो होगा। हाँ, क्योंकि रूहानी बाप जो है सुप्रीम सोल सेवा, वो सिर्फ इसी युग में उस अविनाशी बाप के साथ आता है और किसी युग में प्रवेश नहीं करता। तो इस संगम युग पर ही अनुभूति करते हो। ये विशेष संगम युग की प्राप्ति अति श्रेष्ठ है। तो ऐसे श्रेष्ठ भाग्य का अनुभव सदा इमर्ज रहता है कि कभी मर्ज होता है और कभी इमर्ज रहता है। और देखो पुरुषार्थ क्या किया, इतने बड़े भाग्य की प्राप्ति के लिए पुरुषार्थ कितना सहज हुआ। सिर्फ दिल से जाना, माना और अपना बनाया मेरा बाबा, दिल से पहचाना मैं बाबा का और बाबा मेरा। तो मेरा बाबा मानना और अधिकारी बन जाना। अधिकार भी कितना बड़ा है सोचो। कोई पूछे क्या क्या मिला है तो क्या कहेंगे, क्या क्या मिला है? अरे जन्म जन्मांतर की कोई आस होती है या नहीं होती है? क्या क्या मिला है? जो पाना था सो पा लिया। अप्राप्त नहीं कोई वस्तु परमात्मा खजाने में। ऐसे प्राप्ति स्वरूप का अनुभव कर लिया व कर रहे हैं? ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। नहीं। चाहिए चाहिए के लिए झूठ मूठ तो नहीं बोलना पड़ता? कर लिया। अनुभव कर लिया या कर रहे हैं? संपूर्ण अनुभव कर लिया। भविष्य की बात अलग है। इस संगम युग का ही प्राप्ति स्वरूप का अनुभव है। अगर संगम युग पर प्राप्ति स्वरूप का अनुभव नहीं किया तो भविष्य में भी नहीं कर सकेंगे। क्या जो पाना था सो पा लिया, क्यों नहीं भविष्य में अनुभव कर सकेंगे? भविष्य प्रारब्ध है, लेकिन प्रारब्ध इस पुरुषार्थ के श्रेष्ठ कर्म से बनती है। ऐसे नहीं कि लास्ट में अनुभव स्वरूप बनेंगे, नहीं। संगम युग के बहुत काल का ये अनुभव होना चाहिए। लास्ट समय का अनुभव नहीं, जीवन मुक्त का विशेष अनुभव अभी का है। बेफिक्र बादशाह बनने का अनुभव अभी का है। तो सभी बेफिक्र बादशाह हो या कोई ना कोई फिक्र रहता है? जो बेफिक्र बादशाह बने हैं वो हाथ उठाओ। पूछा बन रहे हैं या बन गए हैं? बन गए हैं ना। क्या फिक्र है? जब दाता के बच्चे बन गए तो फिक्र क्या रह गया? मेरा बाबा मान लिया
और फिकर की अनेक टोकरियों का बोझा उतर गया। सोचो, कोई बोझ है क्या? है, प्रकृति का खेल भी देखते हो, माया का खेल भी देखते हो, लेकिन बेफिकर बादशाह होकर के देखते हो क्या? खेल दोनों के देख रहे हो। कौन कौन दोनों बताएं? माया और प्रकृति। माया के कितने सिर हैं? माया रावण के 5 सिर, काम क्रोध लोह मोह अहंकार, और प्रकृति के 5 सिर। कौन कौन से? पृथ्वी, जलवायु, अग्नि, आकाश। तो इन दोनों का खेल देखते भी हो, लेकिन देखते हुए भी बेफिकर बादशाह हो, साक्षी होकर के खेल देखते हो। दुनिया वाले तो डरते हैं क्या? दुनिया वाले डरते हैं किससे? माया के अनेक रूपों से डरते हैं। पता नहीं कौन से रूप में माया आ जाए। और प्रकृति के जो 5 तत्वों का खेल है उससे भी बहुत डरते हैं। पता नहीं कब अतिवृष्टि हो जाए, तूफान आ जाए, भूकंप हो जाए। तो दुनिया वाले तो डरते हैं, पता नहीं क्या होगा। आपको डर है? नहीं। पूछा, डरते हो? निश्चय और निश्चिंत हैं कि जो होगा सो अच्छे से अच्छा होगा। त्रिकालदर्शी बनहरदर्शी को देखते हो, आज क्या है और कल क्या होने वाला है, इसको अच्छी तरह से जान गए हो। क्योंकि नॉलेज फॉलो ना, संगम के बाद क्या होना है ये आप सबके आगे स्पष्ट है ना। नवयुग आना ही है, क्या कहा? नवयुग आना ही है। दुनिया वाले कहेंगे आएगा, क्या कहेंगे? आएगा कि नहीं आएगा? फिर पूछते हैं आएगा, उनको संशय पैदा होता है, उनको क्वेश्चन होता है आएगा। और आप क्या कहते हैं? आएगा ही। अभी तो कहा जीवन मुक्त का अनुभव अभी कर रहे हो या भविष्य में करेंगे? अभी कर रहे हैं। अभी कर रहे हैं तो आएगा या आ चुका है? आएगा। दुनिया वाले क्वेश्चन करेंगे नवयुग आएगा, और आप क्या कहते हैं? आया ही पड़ा है, इसलिए क्या होगा ये क्वेश्चन नहीं है। पता है कि स्वर्णिम युग भी आना ही है। रात के बाद अब संगम प्रभात है, क्या अभी क्या है? संगम प्रभात। रात के बाद अब माना कब? वर्तमान समय में जो वाणी चल रही है, अब संगम प्रभात है, अमृत वेला है, और अमृत वेले के बाद दिन आना ही है। निश्चय जिसको भी होगा
वो निश्चिंत होगा, कोई चिंता नहीं होगी, बेफिकर होगा। विश्व के रचयिता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है, क्यों निश्चिंत होगा? स्पष्ट नॉलेज मिली क्योंकि इस विश्व का जो रचयिता है, रचयिता निराकार होगा, बिंदु होगा या प्रैक्टिकल में होगा? रचयिता भी साकार चाहिए और रचना भी साकार चाहिए। तो विश्व के रचयिता द्वारा रचना की स्पष्ट नॉलेज मिल गई है, इसलिए बेफिकर। बाप दादा देख रहे हैं, सभी बच्चे स्नेह के, सहयोग के, संपर्क के, प्यार में बंधे हुए। क्या क्या बताया? स्नेह के, सहयोग के, संपर्क के, प्यार में बंधे हुए अपने घर में पहुंच गए हैं। अपने घर में पहुंच गए हैं। अपना घर कौन सा है? हैं? आबू अब्बा का घर अपना है। तो आबू अब्बा के घर माउंट आबू में पहुंच गए हैं? बेद के माउंट आबू में पहुंच गए। अपने घर में पहुंच गए हैं। बाप दादा सभी स्नेही बच्चों को, सहयोगी बच्चों को और संपर्क वाले बच्चों को अपना अधिकार लेने के लिए अपने घर में पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं। है? किसके घर में पहुंचने की मुबारक? अपने घर। अपने घर में मेरा बाबा तो बाबा का घर भी मेरा घर। मेरा घर तो पहुंचने की मुबारक दे रहे हैं, माने बच्चे बाप के घर में पहुंचे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो। बाप दादा का प्यार बच्चों से ज्यादा है, बच्चों का ज्यादा है या बच्चों का बाप दादा से ज्यादा है, या बाप दादा का बच्चों से ज्यादा है? बाप दादा का ज्यादा है, बहुत। किसका है? बहुत से बहुत ज्यादा है। आपका या बाप का? बाप बाप का। बाप तो कहते हैं, बच्चों का ज्यादा है? बाप बाप होते हैं। हैं? बाप तो बाप होते हैं। 20 फरवरी 2005 की अव्यक्तवाणी का दूसरा पेज। तो बाप कहते हैं बच्चों का ज्यादा है। देखो बच्चों का प्यार है तब तो कहां से कहां पहुंच गए हैं, और कहां कहां से पहुंच गए हैं, कितने देशों से आए हुए हैं। कोई ने कहा 50 देशों से आए हुए, लेकिन सबसे दूर से दूर कौन आया है? बाप। अमेरिका वाले दूर से आए हैं या बाप दूर से आए हैं? बाप दूर से आए हैं। आप भी दूर से आए हैं, लेकिन बाप दादा तो परम धाम से आया है। उसकी भेंट में अमेरिका क्या है? अमेरिका दूर है या परम धाम दूर है? परम धाम। सबसे दूर देशी बाप दादा है, बहुत लंबी मंजिल तय करके आया है। बच्चे याद करते और बाप हाजिर हो जाते हैं, हाजिर कर देते हैं। दिल से नहीं याद करते होगे, दिल कहीं दूसरी जगह लगी होगी, झूठ क्यों बोलते हो? बच्चे याद करते हैं और बाप हाजिर हो जाते हैं। अभी बाप बच्चों से क्या चाहते हैं पूछते हैं ना, बाप क्या चाहते हैं?
तो बाप दादा यही मीठी मीठी बच्चों से चाहते हैं कि एक एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो जाए। इसलिए पूछते हैं सभी राजा हो? हाँ, कोई नहीं हाथ उठाता है। कौन उठा रहा है हाथ? स्वराज्य अधिकारी, सब कर्मेंद्रियों के ऊपर कंट्रोल है। समझा नहीं? पूछा सभी राजा हो? स्वराज्य है, स्वपर राज्य तो है ना। जो समझते हैं स्वराज्य अधिकारी राजा बना हूं वो हाथ उठाओ। जैसे यहाँ उठा दिया वहां भी बहुतों ने हाथ उठा दिया। बहुत अच्छा। बाप दादा को बच्चों को देखकर प्यार आता कि 63 जन्म बहुत मेहनत की है, दुख अशांति से दूर होने के लिए कितनी मेहनत की। तो बाप यही चाहते हैं कि हर बच्चा अभी स्वराज्य अधिकारी बने, मन बुद्धि संस्कार का मालिक बने, राजा बने। जब चाहे, जहां चाहे, जैसे चाहे, वैसे मन बुद्धि संस्कार को परिवर्तन कर सके, टेंशन फ्री लाइफ का अनुभव सदा इमर्ज हो। कैसे? निशानी क्या होती है टेंशन फ्री लाइफ की? है? टेंशन फ्री लाइफ होती है तो चेहरे से खुशी दिखाई पड़ती है। टेंशन होती है तो चेहरे से दिखाई पड़ता है। बाप दादा देखते हैं कभी कभी मर्ज भी हो जाता है। सोचते हैं ये नहीं करना है, ये राइट है, ये रंग है, लेकिन सोचते हैं स्वरूप में नहीं लाते हैं। तो सोचना माना मर्ज रहना और स्वरूप में लाना माना इमर्ज होना। समय के लिए तो इंतजार नहीं कर रहे हो ना कि समय आएगा तो टेंशन फ्री हो जावेंगे। कभी कभी करते हैं क्या टेंशन रूढ़ियान करते हैं ना, तो कई बच्चे कहते हैं समय आने पर ठीक हो ही जाएंगे। लेकिन ये समय तो आपकी रचना है और आप समय को पलटने वाले रचयिता हो। मास्टर रचयिता हो ना। नई दुनिया अपने आप आ जाएगी क्या? है? मरे बगैर स्वर्ग मिलेगा क्या? नहीं। मरेंगे तब मिलेगा। मरेंगे? नहीं, मरे नहीं है ना। है? वो मर के क्या देखता है? मर गए। मास्टर रचयिता तो हो ना। तो मास्टर रचयिता रचना के आधार पर नहीं चलते कि रचना चले तब हम चलेंगे, नहीं तो नहीं चलेंगे। रचना सहयोग देगी तो हम आगे बढ़ेंगे, नहीं तो हम भी आगे नहीं बढ़ेंगे। समय को समाप्ति के नजदीक आप मास्टर रचयिता को लाना है। क्या
कौन लाएगा नजदीक? जो भी मास्टर रचयिता होंगे वो समय को समीप लाएंगे। एक सेकंड में मन के मालिक बन मन को ऑर्डर कर सकते हो। कर सकते हो? कर सकते हैं। कर सकते मन को एकाग्र कर सकते हो? कर सकते हो। अच्छा, मन को संकल्पों को फुल स्टॉप लगा सकते हो कि लगाएंगे फुल स्टॉप और लग जाएगा क्वेश्चन मार्क? क्यों, क्या, कैसे, यह क्या, वह क्या, आश्चर्य की मात्रा भी नहीं हो, फुल स्टॉप, सेकंड में फुल स्टॉप बन जाओ और कोई मेहनत नहीं है, सिर्फ एक शब्द अभ्यास में लाओ, पॉइंट, पॉइंट स्वरूप बनना है, वेस्ट को पॉइंट लगानी है और महावाक्य जो सुनते हो उन पॉइंट्स पर मनन चिंतन करना है और तो कोई तकलीफ नहीं है। पॉइंट याद रखो, पॉइंट लगाओ और पॉइंट बन जाओ। ये अभ्यास सारे दिन में बीच बीच में कितने भी बिजी हो लेकिन ये ट्रायल करो, एक सेकंड में पॉइंट बन सकते हो, एक सेकंड में पॉइंट। जब ये अभ्यास होगा, बार बार का अभ्यास होगा, तभी आने वाले अंतिम समय में फुल पॉइंट्स ले सकेंगे, पास विदानर बन जाएंगे। माना, अभी फाइनल परीक्षा नहीं हुई है तो कोई को नशा चढ़ गया हो कि हम तो पास विदानर बन गए। बन जाएंगे, यही परमात्मा पढ़ाई है और यही परमात्मा पालना है। किसकी पालना? परमात्मा की पालना। तो जो भी आए हैं, चाहे पहली बारी आने वाले हैं, तो जो पहली बारी मिलन मनाने के लिए आए हैं वो हाथ उठाओ। बहुत आए हैं, वेलकम। जैसे अभी पहली बारी आए हो ना तो पहला नंबर भी लेना है, चांस है। आप सोचेंगे हम तो अभी अभी पहली बारी आए हैं, हमारे से पहले वाले तो बहुत हैं, लेकिन ड्रामा में ये चांस रखा हुआ है। क्या लास्ट में आने वाला भी फास्ट और फास्ट से फर्स्ट हो सकता है, तो चांस है और चांस लेने वालों को बाप दादा चांसलर कहते हैं। तो चांसलर बनो। बनना है चांसलर। जो समझते हैं चांसलर बनेंगे वो हाथ उठाओ। मुबारक हो। बाप दादा ने देखा यहाँ जो भी आए हैं वो सब हाथ उठाए रहे हैं और मेजॉरिटी उठाए रहे हैं। मुबारक हो। बाप दादा ने आप सभी आने वाले मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चों को विशेष याद किया है कौन से बच्चों को? किन बच्चों की बात हो रही है जो अभी लास्ट में आ रहे हैं? क्यों याद किया है? क्यों निमंत्रण दिया? पता है
देखो निमंत्रण तो बहुतों को मिला लेकिन आने वाले आप पहुंच गए, तो क्यों बाप दादा ने याद किया? क्योंकि बाप दादा जानते हैं कि जो भी आए हैं वो है इसने ही सहयोगी, सहज योगी बनने वाली क्वालिटी है। अगर हिम्मत रखेंगे तो आप सहज योगी बन औरों को भी सहज योग का मैसेंजर बन मैसेज दे सकते हो। मैसेज देना अर्थात गॉडली मैसेंजर बनना, आत्माओं को दुख अशांति से छुड़ाना। फिर भी आपके भाई बहन है ना? क्या कहा? कौन है? आपके भाई बहन हैं? आपके भाई बहन कितने हैं? क्यों राम रक्ष भाई, आपके भाई बहन कितने हैं? 9,16,100 बस 500 करोड़ भाई बहन है? 500 करोड़ का बाप कौन है? है जो मेरा बाबा कहते हैं, कहते नहीं मानते हैं, दिल से जानते हैं। आपके ही भाई बहन है ना, तो अपने भाई व बहनों को गॉडली मैसेज देना अर्थात दुख अशांति से मुक्त करना। इस बात की दुआएं बहुत मिलती हैं। किनको? जो अपने भाई बहनों को, अपने परिवार के भांतियों को ऐसा संदेश दे करके बंधनों से मुक्त कराते हैं। 20/2/2005 की अव्यक्तवाणी का तीसरा पेज। किसी भी आत्मा को दुख अशांति से छुड़ाने की दुआएं तो बहुत मिलती हैं, और दुआएं मिलने से अतीन्द्रिय सुख, आंतरिक खुशी की फीलिंग बहुत आती है। क्यों आती है? क्योंकि खुशी बांटी तो खुशी बांटने से खुशी बढ़ती है। सभी खुश हो? सभी खुश हैं, विशेष बाप दादा मेहमानों से ही नहीं अधिकारियों से भी पूछते हैं। अपने को मेहमान नहीं समझना, अधिकारी है। तो सभी खुश हैं? हाँ, आप आने वालों से पूछते हैं, कहने में आता है मेहमान, क्योंकि नए नए पहली बार आए हैं ना, तो क्या कहे जाएंगे? कहने में आता है मेहमान, लेकिन मेहमान नहीं हो, महान बन, महान बनाने वाले हो। तो पूछो, हम खुश हैं? खुश हैं तो हाथ हिलाओ, अभी खुश हैं तो अभी जाकर के क्या करेंगे? हैं? नहीं नहीं आए हैं, अभी खुश हैं तो वापस जाकर के क्या करेंगे? बाप के निरंतर याद करेंगे। तो करते ही आए। जो खुशी मिली है वो दूसरों को बांटेंगे। सबको खूब खुशी बांटना, जितनी खुशी बांटेंगे उतनी बढ़ेगी। ठीक है, अच्छा खूब ताली बजाओ। सभी ने खूब तालियां बजाई, ऐसे जैसे अभी ताली बजाई ऐसे सदा खुशी की तालियां बजती रहे और ऑटोमेटिक बजती रहे। अच्छा, सेवा का टर्न भोपाल जोन का।
कौन सा जोन? भोपाल। भोपाल माना की पालना, सारी पृथ्वी को पालने वालों का। वहाँ भोपाल भाई भी हैं, चेतन में भी है, भोपाल भाई भी हैं चेतन में। ओ तो भोपाल भाई, भोपाल भाई ब्रह्मा कुमार कुमारियों का सिर्फ बोलता है। भोपाल माना विश्व कल्याणकारी, क्या कोई धर्म विशेष, कोई देश विशेष, कोई वर्ग विशेष का कल्याणकारी नहीं, सारे विश्व का कल्याणकारी। तो भोपाल वाले उठो, सेवा का चांस लेने में कितने पदम कदम में जमा किए, जमा किया, क्योंकि यहां तो सेवा और यज्ञ पिता की याद रहती है। जिसकी सेवा करेंगे उसकी याद जरूर रहती है। यज्ञ सेवा करते हो तो यज्ञ पिता की याद स्वतः याद आती है। यहां क्या किया, दो काम थे ना, और तो कोई काम नहीं था ना, बाप को याद करना और सेवा करना, और कोई ड्यूटी थी क्या, यही थी ना, सेवा करना अर्थात शक्तिशाली मेवा खाना। तो बहुत अच्छी सेवा की, अपनी भी दुआएं जमा की और दूसरों को भी आराम दिया, अर्थात बाप की याद दिलाई, तो अच्छा गोल्डन चांस लिया और यहां का जमा किया हुआ वहां जाके स्वयं प्रति बढ़ाते भी रहना और दूसरों को भी बांटना, अच्छा है। इस बात में टीचर साथ उठाओ, बाप दादा सदा टीचर्स को कहते हैं, टीचर्स अर्थात जिसके फीचर्स से फ्यूचर दिखाई दे। क्या, जिसका चेहरा देखने से ही उसका भविष्य का पता लगने लगे, तो ऐसी टीचर्स हो ना, आपको देखकर स्वर्ग के सुख की फीलिंग आ जाए। खुशनुमा चेहरा कोई देखता है तो खुद भी खुश हो जाता है, शांति की अनुभूति हो, सुख की अनुभूति हो, चलते फिरते फरिश्ते दिखाई दे, तो ऐसी टीचर्स हो ना, अच्छा है। चाहे प्रवृत्ति में रहने वाले हैं, चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी हैं। कौन, किसकी बात हो रही है, है? हर बात वसुदेव टीचर से बात हो रही है ना, तो चाहे टीचर से प्रवृत्ति में रहने वाले हैं और चाहे सेवा के निमित्त बने हुए हैं, प्रवृत्ति में रहने वाले टीचर से ज्यादा कहाँ हैं, बेसिक में है या एडवांस में? एडवांस में, एडवांस में जास्ती टीचर से हैं जो प्रवृत्ति में रहते हैं और फिर सेवा के निमित्त बनते हैं, लेकिन सभी बाप दादा समान बनने वाले निश्चय बुद्धि विजयी रतन है। तो बहुत अच्छा लगा ना, सेवा करना अच्छा लगा, संतुष्ट रहे, अगर रहे हो तो हाथ हिलाओ, बहुत अच्छा, मुबारक हो। मीडिया विंग से मीडिया विंग वाले बैनर दिखाई रहे हैं, मूल्यनिष्ठ मीडिया, सत्यता, निर्भयता, दिव्यता, परमात्मा प्रत्यक्षता का दिखाई रहे हैं।
लक्ष्य तो अच्छा रखा है। मीडिया अर्थात बाप दादा की प्रत्यक्षता का आवाज फैलाने वाले, विशेष साधन प्रत्यक्षता का मीडिया है। क्योंकि लोग कहते हैं कि आपका आवाज इतना चारों ओर नहीं फैला है, तो मीडिया ऐसा साधन है जो चारों ओर आवाज फैला सकते हैं। अभी थोड़ा थोड़ा आवाज फैलाया है। किस बात का आवाज? बाप की प्रत्यक्षता का आवाज थोड़ा थोड़ा फैलाया है। क्या आवाज है? ये थोड़ा थोड़ा आवाज फैलाया है मीडिया के द्वारा कि बाप साकार में आ गया है। थोड़ा थोड़ा तो फैलाया है, इसलिए अभी ऐसा वायुमंडल बनाओ जो हर मीडिया के साधन वाले स्वयं ऑफर करें। अभी तो आपको उनके पास जाना पड़ता है क्या? लेकिन ऐसी कोई छू मंत्र काली निकले कि वो हर मीडिया के साधन वाले, चाहे रेडियो हो, चाहे टीवी वाले हो, चाहे अखबार वाले हो, हर मीडिया के साधन वाले स्वयं ऑफर करें कि हमें भी कुछ सेवा दे दो। अभी तो सुनते भी नहीं बाबा, जाने पर भी कनेक्शन रख रहे हो, लेकिन कनेक्शन वालों को रिलेशन वाला बनाओ, जिससे वो खुद समझे कि हमारी भी जिम्मेवारी है। कर रहे हैं, करते रहेंगे, और अवश्य आवाज फैलाना ही है। फैलाने वाले होशियार हैं तो आवाज फैलेगा ना, शुरू किया है, अच्छा किया है। अभी जो शुरुआत की है उसको बढ़ाओ। कोई ने कहा दादी जी की इच्छा है 1 करोड़ लोगों को संदेश मिले, लो बाप साकार में आया हुआ ये 1 करोड़ लोगों को पहचान लेंगे है? 1 करोड़ लोग तो बाद में पहचानेंगे, पहले तो जो फर्स्ट जनरेशन है, पहले जन्म में आने वाली प्रजा है, वो संदेश लेगी या बीच के जन्मों में आने वाले संदेश ले लेंगे? पहले जन्म में आने वाले संदेश लेंगे। भले दादी जी की इच्छा है, क्योंकि उनकी बुद्धि में तो ये बात है ही नहीं कि बाप साकार में आया हुआ है। क्या तुम कहेंगे कि बाप प्रैक्टिकल में साकार में पार्ट बजाए रहा है, और माया क्या कहेगी? बाप चला गया। वो कहेंगे नहीं, वो तो बहुत पहले आया था, चला गया। चला गया। बाप आया हुआ हो ये हो नहीं सकता। गुजर दादी को साकार मानते हैं। इस शिव जयंती पर वो 1 करोड़ लोगों को संदेश मिल जाए, ऐसी दादी जी की इच्छा है, ऐसा प्लान बनाया है, और भी प्लान बनाए हैं। कोई ने बताया, मुबारक। प्रैक्टिकल में करेंगे फिर गिफ्ट भी देंगे, अभी तो मुबारक हो। साइंटिस्ट और इंजीनियर विंग से बैनर दिखाया, निमित्त निर्माणता से नव निर्माण, ज्ञान विज्ञान जागृति अभियान, अच्छा ने बैनर बनाया है।
अभी साइंटिस्ट और इंजीनियर डिपार्टमेंट को ऐसा कुछ करके दिखाना है जो लोगों को अनुभव हो कि साइलेंस की शक्ति साइंस को भी रिफाइन और प्रगति में ला सकती है। साइंस और साइलेंस का मिलन क्या क्या कर सकता है वह विशेष पहले पॉइंट्स निकालो। और फिर वह फैलाओ। साइंस वालों को पता पड़े कि साइलेंस हमारे साइंस में क्या सहयोग दे सकती है, क्या उन्नति हो सकती है। ऐसा अनुभव स्वयं करो और दूसरों को भी कराओ। अच्छा है, बाप दादा खुश हैं, हर एक वर्ग काम में तो लगा हुआ है और अभी सबने मनन करना शुरू कर दिए हैं। ओम शांति।